देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बनी है तब से हर एक बैठक में एक ही बात की आस होती है कि नीतीश कुमार को या तो राष्ट्रीय संयोजक बनाया जाएगा या फिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाएगा। लेकिन हर एक परिस्थिति में, हर एक मीटिंग के बाद यही खबर निकल कर आती है कि नीतीश कुमार को किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अब ऐसे में कल यानी कि 3 जनवरी को एक और बैठक इंडिया गठबंधन की होनी है, लेकिन इस बार की जो बैठक है वो फिजिकल नहीं बल्कि ऑनलाइन होने वाली है। यानी कि जो नेता सभी हैं वो ऑनलाइन जूम ऐप के तहत एक दूसरे से जुड़ेंगे, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, राजद के नेता हों या फिर इंडिया गठबंधन के किसी और घटक दल के नेता हों, ये सभी कल जूम ऐप पर जुड़ेंगे और वहीं से जो है इन लोगों की मीटिंग होनी है। लेकिन इन सबसे पहले भाई बीरेंद्र जो है वो अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। संयोजक बना देना चाहिए, नहीं हम लगता नहीं हम बनाना चाहिए और हमको लगता है बनाएंगे निश्चित रूप से। नीतीश कुमार, ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा इंडिया अलायंस। हम खुशी की बात है, संयोजक बनाया जाए तो बहुत खुशी की बात है। ये इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन हम तो चाहेंगे कि बिहार को हर पद मिले, बिहार को ही। फतेह बहादुर सिंह ने जिस तरह से बयान दिया था माँ सरस्वती को लेकर के, अब जदयू जो है पलटवार कर रही है, कह रही है उनका नाम फतेह बहादुर की जगह कायर बहादुर होना चाहिए। सवाल है कौन क्या बोलता है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारी पार्टी सनातन धर्म को मानती है, हर धर्म को मानती है। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के व्यक्ति हैं, हमारे लिए सब धर्म बराबर है। अगर कोई कटाक्ष करता है उनका व्यक्तिगत भावना हो सकता है, ये पार्टी का भावना नहीं है। पार्टी हमेशा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के हर धर्म के लोगों को लेकर चलती है और हर धर्म पर विश्वास और भरोसा हम लोग पर है। कल इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक होने जा रही है, इसकी बात करते हैं, लेकिन आपके विधायक और मंत्री लगातार जो है, मैं कह रहा हूँ ना, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टीगत वो बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है। और हमारी पार्टी हर धर्म के लोगों को, हर धर्म को मानने को मानती है। लालू प्रसाद यादव कार्रवाई करेंगे, अरे सब चलिए। तो सुना आपने किस प्रकार से भाई बीरेंद्र ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के चेहरा बनाए जाने का समर्थन किया है, कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अच्छी बात है। वहीं भाई बीरेंद्र जो है फतेह बहादुर के ऊपर भी प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन फतेह बहादुर के मामले से पल्ले झाड़ते नजर आए। वो कह रहे थे कि ये उनका अपना व्यक्तिगत राय हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि जब से इंडिया गठबंधन बनी है तब से लगातार हर बैठक में यही आस लगाया जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को या तो प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा या फिर राष्ट्रीय संयोजक बनाया जाएगा। और हर बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीटिंग करने जाते हैं और वहां से बैरंग लौट कर आते हैं। इस बार, पिछली बार जब दिल्ली में हुई थी बैठक, उस वक्त भी ये खबर थी, काफ़ी जोर शोर से चल रही थी कि नीतीश कुमार को शायद प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा। और वहाँ पर जो स्वैग था उस समय नीतीश कुमार के चलने का और जो पार्टी का जो मूवमेंट था उसको देखकर यही लग रहा था कि शायद कुछ बड़ा संकेत नीतीश कुमार को मिल गया है। लेकिन उस बैठक में भी नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला और खबर ये भी निकल कर आई कि उस बैठक के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों नाराज होकर लौटे हैं, जिसके बाद से मीडिया के सामने इन दोनों को आकर सफाई देनी पड़ी कि सब कुछ ठीक है और हमारे मन में कोई लालसा नहीं है। तो इन्हीं सभी बातों पर भाई वीरेंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया दिया। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए HD News के साथ। धन्यवाद।